ओके सो कैफे और म्यूजियम विजिट तो हो गया है हमारा अभी. मैं अभी जा रही हूँ प्रॉबेबली अंजुना बीच. वो यहाँ से थोड़ा सा लाइक हाफ एन आवर है. लेकिन यार अभी अगर इतना दूर आए हैं तो मैं सोच रही हूँ जितने प्लेसेस मैं कवर कर सकूँ उतनी प्लेसेस मैं कवर कर लेती हूँ गोवा की. तो अभी मैं यहाँ पे रुकी थी थोड़ा लाइक बहुत अच्छा व्यू था. मैंने सोचा कि व्लॉग में ले लेते हैं आप सब भी देखने का, मतलब मौका मिलना चाहिए यार मेरे साथ साथ. तो हाँ ये हमारी गाड़ी है. वो मैंने कुछ सामान लिया था, मतलब चप्पल अप्पल ले रखी थी. सोचा था बीच पे जाएंगे तो मट्टी मट्टी हो जाती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा चप्पल कैरी की है और उसमें तो जूस था. अभी मैं जस्ट निकल रही हूँ मैप लगा के अंजुना बीच. लेट्स गो. बीच स्टार्ट हो चुका है यहाँ से एंड परफेक्ट सनसेट पे हम लोग पहुंच गए हैं. द परफेक्ट सनसेट. यार कपड़े कपड़े हर जगह. यार मन तो बहुत हो रहा है लेने का बट मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि अच्छा हो गया आगे देखा वरना गिर जाते भी दम से. अच्छा हो गया हम टाइम पे पहुंच चुके हैं इधर. यार कितनी प्यारी प्लेस है यार देखो. सब चिल कर रहे हैं, बैठे हैं, ड्रिंक्स एंड ऑल. फोटोग्राफी चल रही है. वो भैया पता नहीं अंदर क्या कर रहे हैं. ओके तो पार्क कर दी है गाड़ी वहाँ पे और आ चुके हैं हम लोग चपोरा फोर्ट. 8 बजे से 5 बजे तक का होता है और अभी ऑलरेडी मतलब टाइम हो चुका है. जल्दी से जाना पड़ेगा. यहाँ पे कुछ शॉपिंग शॉपिंग वाली चीज़ें हैं वो मैं आके देख लूँगी वरना बहुत लेट हो जाएगा और अगर फोर्ट बंद हो गया तो फिर देखने नहीं मिलेगा. तो अभी चलते हैं फटाक से. ओके गाइस हम आधे स्टेप्स तो मतलब चढ़ चुके, आधे भी नहीं नॉ लाइक 20% चढ़ चुके हैं. 120 स्टेप्स है टोटल. और अभी खाना खा के चढ़ना बहुत खतरनाक लाइक ऐसे रुक रुक के जाना पड़ेगा ऐसे मुझे लग रहा है. गाइस तब हम 20% चढ़ लिए थे, अभी हम 30-40% चढ़ लिए. मैं एक्चुअली बीच बीच में रुक रही हूँ क्योंकि जो लाइक सीन है ना वो मुझे शूट करना है. बहुत प्यारा लाइक सिनारियो है यहाँ पे, सीन्स है. तो मैं सोचा कि थोड़ा रुक के शूट भी कर लेती हूँ इसलिए मैं रुक रुक के चल रही हूँ थोड़ा. अंकल फुल ऑन मतलब कि हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. कह रहे हैं कि मैंने कब्जा कर लिया इस जगह पे. एक भी फ़ोटो नहीं खींचने मिली मुझे बट इट्स ओके. देख लो आप भी मतलब इस उम्र में भी अंकल इतना कर रहे हैं. आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और आपके साथ मुझे भी आनी चाहिए क्योंकि हम लोग तो ये सब करते नहीं हैं. जो ये कर रहे हैं मुझे पता भी नहीं कि इसको क्या बोलते. गोल गोल स्ट्रेचिंग पता नहीं यार क्या है. Finally, we are here on the fort. This is the main spot, guys. और आप लोगों को पता ही होगा लाइक दिल चाहता है मूवी, तो दिल चाहता है मूवी पे ना एक शूट है जो शॉट किया गया था वो वहीं पे कहीं तो भी शूट लिया गया था. मुझे वहाँ का थोड़ा शूट लेना था बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा पब्लिक है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैंने इतना कुछ शूट नहीं लिया. बट स्टिल आपको देखने मिल जाएगा वीडियो में वो स्पॉट. और यही है लाइक मेन तो यही है. बहुत पब्लिक है, अच्छा क्राउडेड है फोर्ट, चपोरा फोर्ट इट इज़. एंड मैंने तो अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर दिए हैं. अभी थोड़ा 5-10 मिनट बैठ के देन विल लीव टू अनादर लोकेशन
वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी कि इसके बाद का मेरा क्या प्लान है। फिलहाल तो मुझे ये फोर्ट ही विजिट करना था, बहुत सुना था इस फोर्ट के बारे में एंड इट वॉज लाइक क्लोजर टू माई होटल। अभी चलते गए थोड़ा यहाँ बैठते हैं, चिल करते हैं, फोटो वोटो देखती हूँ मैं, प्यारा सा व्यू है, मज़े लेते हैं और देन विल लीव। ओके, एन्जॉय द व्लॉग और ज़रूर कमेंट कर देना कि आपको फोर्ट कैसा लगा। I waited for them to go, but they were like, keep coming. But it's coming out too. Yeah? Do you want to try different background or the same? Oh, this is it. I'll take patapat because nobody is there. She's not going. Look here and there, somebody. ओके गाइस, तो अभी हम लोग मतलब फोर्ट से वापस जाते जाते एक रास्ते पे हनुमान जी टेम्पल पड़ा हमें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रुक के दर्शन लिए जाए। तो मैं अभी टेम्पल पहुंच चुकी हूँ, वैसे बहुत प्यारा है, अभी लाइक एंट्री करने वाले हैं, करेंगे। ये टेम्पल है मेरे पीछे, अभी हम लोग चलते हैं। थोड़ा यार एक तो बाल पूरे ख़राब हो गए हैं, गाड़ी हेलमेट सब 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 तो वाट लग गई है। अभी मैं टेम्पल में एंट्री करने जा रही हूँ, लेट्स गो। गाइस दर्शन तो हो गए हैं हमारे। एक्चुअली जो मेन मंदिर है अंदर का, बहुत वो ना वहाँ पे अलाउ नहीं था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो वो मैंने नहीं की, बट मैंने बाहर से आपको दिखा दिया। और काफ़ी प्यारा मंदिर है यार, बहुत देखो। और यहाँ पे कुछ कराटे क्लासेस चल रही है बच्चों की, सब पेरेंट्स बैठे हैं और कराटे वराटे क्लासेस चल रही है, एकदम ज़बरदस्त। यही है कुछ प्यारा सा टेम्पल, निकलते हैं बस अब गाइस घर की ओर, चलो। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे मैंने चेक इन वगैरह कर ली है। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, लिटरली बहुत भीड़ है। मैंने बैग रख दिया है, सिक्योरिटी चेक इन हो गई है और मैं अभी अपने गेट पे जाके बैठ जाऊंगी, मेरा डी है। और मेरी फ़्लाइट बहुत डिले हो रही है, कल से लिटरली 2:10 पर मेरी फ़्लाइट थी और वो अभी 3:40 पे कुछ हो गई है, पता नहीं 3:50 पे, तो अभी मुझे पूरा टाइम बैठना पड़ेगा। लेकिन लिटरली 1.5 घंटा तो मुझे एयरपोर्ट पर ही बिताना पड़ेगा टाइम पास करके। चलते हैं गाइस, अभी डन फॉर दी डे हो गया है मेरा। अब यहाँ से जाने के बाद भी मुझे मुंबई में ट्रैफिक में अटकना पड़ेगा, उसका मुझे अलग टेंशन है। लेट्स सी, चलो देखो भीड़ कितनी है, ये देखो आप, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि एयरपोर्ट नहीं रेलवे स्टेशन है। देखो देखो इतनी भीड़ है ये यार, जैसे ये हमारा गेट है यहाँ पे, तो मुझे अभी वहाँ जाके बैठना है सामने। सोच रही हूँ कुछ खाने के लिए ले लूँ या एटलीस्ट पानी ही ले लूं। गाइस मेरे को प्यास लगी थी, ठीक है, तो मैं चाय पॉइंट में गई तो थी, मैंने सोचा कि कुछ ड्रिंक पी लेती हूँ, मतलब चाय या कॉफ़ी कुछ पी लेती हूँ। तो वहाँ पे 300-400 की एक चाय थी, मुझे पता नहीं कि ऐसा उन्होंने क्या डाला है 300-400 का। तो मैं वहाँ से रिटर्न आ गई और फिर मैं सबवे में गई कुछ कॉफ़ी पीने, तो वहाँ पे भी 200+ का था। तो मेरे को मतलब मेरे को प्यास ही नहीं लगी, अभी मुझे पीना ही नहीं है कुछ। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कोई छोटा सा ऐसे ये मोगो वोगो पता नहीं कुछ तो ले लेती हूँ और पी लेती हूँ, काफ़ी हो जाएगा, मतलब कॉफ़ी तो नहीं बट काफ़ी है, यही काफ़ी है। क्योंकि 400 रुपये की चाय यार बस ठीक है।
गाइज इट्स ऑलमोस्ट 3:20 एंड आई एम ऑलरेडी लेट लाइक 3:05 का था एंड इट्स डिलेट माई फ्लाइट इज़ डिलेट. बोर्डिंग स्टार्ट तो हो गई है. अभी मुझे लगता है कि और भी थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज इट्स दिल्ली एंड देन मुंबई. यार मैं थक चुकी हूँ और बहुत पक भी चुकी हूँ. अभी जल्दी जल्दी घर पहुँच जाओ बस. देन आई हैव टू स्ट्रीम. आज हम लोग स्ट्रीम पे मिलते हैं फाइनली आफ्टर 4 days का ब्रेक. यार ये वापस से यार मैं तो कभी बुक नहीं करूँगी भाई ये वाली स्पाइस जेट. पता नहीं कौन सी फ्लाइट है. एकदम बकवास. बहुत ही बकवास गाइस. 3 बार डिले हुई है. 3 बार लिटरली. चलो भगवान की दुआ से हमारा बोर्डिंग हो गया है. गाइस फाइनली घर पे आ चुकी हूँ मैं. मतलब लिफ्ट में हूँ अभी. और बहुत अच्छा ट्रिप था मेरा गोवा का. होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. अभी मैं फटाफट जाती हूँ डॉगी से मिलती हूँ मम्मी से मिलती हूँ. और ये ब्लॉग तो आ जाएगा अभी. मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्लीज़ बता देना ब्लॉग कैसा लगा. काइंड ऑफ अ सोलो ट्रिप.